दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी ठरक हवस से भरी लौंडिया की है जिसकी तड़प तुम भी नहीं मिटा पाओगे। ये एक ऐसी लौंडिया है जिसको बस रगड़ा चाहिए, चाहे दिन हो या रात, बॉयफ्रेंड हो या अंकल, इसे तो बस दबा के भटाभट 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 चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये फोन पर गंदी गंदी बातें करके अपने मौत के कुएं से खीर निकालती है। तो चलिए देखते हैं क्या ये लौंडिया सुधर पाएगी या नहीं। तो कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडिया एल्मा को देखते हैं जो अपने किचन में लेटकर फोन पर किसी लौंडे से रगड़े की बात करके मास्टर बेट कर रही होती है। तभी एल्मा की मम्मी काम से वापस घर पर आ जाती हैं, तो एल्मा अपनी भावनाओं को काबू में करके पढ़ने बैठ जाती है। दोस्तों, एल्मा एक काफी तगड़ी सेक्सुअल डिजायर वाली लौंडिया है जो अपनी फैंटेसी को इमेजिन करके या फिर कभी कभी हॉटलाइन सर्विसेज पर लड़कों से बिल्डिंग ऊपर नीचे की बातें करके अपनी इन डिजायर्स को पूरा करती है। दिखने में ये जितनी भोली है, क्या बताऊं इसकी गेंद कितनों ने खोली है। फिर हम देखते हैं कि एल्मा अपने डॉग के साथ वॉक पर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसी के स्कूल में पढ़ने वाले एक लौंडे आर्थर से होती है जो उसे मन ही मन प्यार करती है। प्यार तो एक बहाना है, इसे तो बस आर्थर से अपना मौत का कुआं चटवाना है। और एल्मा हमेशा आर्थर का नाम लेकर भी मास्टरबेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इमेजिन करने लगती है कि आर्थर चुपके से उसकी विंडो से एल्मा के रूम में आता है और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर भटाभट 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 करते हैं। तभी आर्थर एल्मा से कहता है, कैसे देख रही है तू, जिससे एल्मा तुरंत होश में आ जाती है। उसके अगले दिन हम एल्मा की दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिनके नाम है एंटी और एंटी, और ये दोनों बहनें होती हैं। एल्मा अपनी सिंगल मम्मी के साथ नॉर्वे के एक छोटे से गांव में रहती है जहां के सभी लोग रूढ़िवादी होते हैं। इस गांव में छोटी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहकर एल्मा काफी बोर हो गई थी क्योंकि वो बचपन से ही एक मॉडल बनना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी स्कूल जाती है तो वो अपने गाँव के नेम को देख कर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। एक दिन एल्मा अपने क्लासमेट की पार्टी में जाने के लिए अपनी फ्रेंड एंटी के साथ एक काफी सुंदर व्हाइट ड्रेस लाती है जिसे पहनकर वो फिर से इमेजिन करने लगती है कि वो आर्थर के साथ जंगल में है। और आर्थर एल्मा की आंखों में देखकर कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। उसके बाद ये दोनों जंगल में ही भटाभट 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 करने लगते हैं। अब जैसे ही वो होश में आती है तो वो एंटी सेंटी के साथ पार्टी में जाती है जहां पर आर्थर भी आया होता है। उसे देखकर एल्मा काफी खुश हो जाती है और एल्मा को एंटी सेंटी भी नोटिस करती है कि वो आर्थर को ताड़ते जा रही है। अब कुछ टाइम बाद एल्मा वहां से बाहर जाने लगती है तो एल्मा को बाहर जाते हुए देख आर्थर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं एल्मा बाहर जाकर एक बियर पीने लगती है तो आर्थर भी उसके पास आकर वहां खड़ा हो जाता है। अब आर्थर को अपने इतना करीब देखकर एल्मा मुस्कुराने लगती है। एल्मा को मुस्कुराते हुए देख आर्थर को पता नहीं क्या होता है, वो अपनी पैंट की चैन खोलता है और अपना गरम लोहा एल्मा की थाई पर नचा देता है। अब आर्थर की ये सब हरकत देखकर एल्मा भी काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो बाथरूम में जाकर वही सब इमेजिन करके मास्टरबेट करने लगती है। जब एल्मा ये सब करके शांत होती है तो तुम सोच रहे होंगे कि एल्मा सोच रही होगी कि इस बार तो कर दिया लेकिन अगली बार नहीं करूंगी। भाई, ये सब लड़के ही सोचते हैं, लड़कियां कभी नहीं सोचती। इसके बाद एल्मा पार्टी में आकर वो सारी बात एंटी सेंटी को बताती है। एल्मा कहती है, यार आर्थर ने मुझे अपना गरम लोहा चुवा दिया। लेकिन ये बात सुनकर एल्मा की फ्रेंड उस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। वो कहती है, चल चल ज्यादा झूठ मत बोल। और तभी आर्थर भी वहां पर आ जाता है, वो भी ये सारी बात सुन लेता है जिस पर वो कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं छुआया अपना गरम लोहा। दरअसल दोस्तों, आर्थर स्कूल का काफी पॉपुलर लड़का होता है, वहीं एल्मा स्कूल की काफी अनपॉपुलर लड़की होती है, इसलिए सारे लोग एल्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते और वो वहां पर झूठी साबित हो जाती है। अगले दिन सेंटी एल्मा के घर उससे मिलने आती है और वो उसके पास बैठकर अपने होंठों पर लिप ग्लॉस लगाने लगती है। तो एल्मा सेंटी को देखकर फिर से इमेजिन करने लगती है कि वो उसके कपड़े उतारकर उसे पूरा चरम सुख दे रही है। तभी सेंटी एक चुटकी बजाती है जिससे एल्मा अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। फिर सेंटी एल्मा से कहती है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि आर्थर ने तुम्हें अपना गरम लोहा छुआ मारा है, जिससे स्कूल के सारे लोग तुम्हें ठरकी और झूठा समझ रहे हैं और वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। और मैं तो बस तेरे घर अपनी लिप ग्लॉस लेने आई थी और आज के बाद तुम मुझसे भी बात मत करियो। ये कहकर सेंटी वहां से चली जाती है। जब एल्मा स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने सबसे झूठ बोला है कि आर्थर ने उसे अपना गरम लोहा छुआया है, जिससे स्कूल के सभी लोग उसे ठरकी लड़की समझते हैं और वो अब उसे डिक एल्मा कहकर बुलाने लगते हैं। जब एल्मा अपने स्कूल के टॉयलेट में जाती है तो वहां वो देखती है कि डिक एल्मा नाम से उसकी एक ड्रॉइंग बनी होती है, यानी कि अब एल्मा पूरे स्कूल में बदनाम हो चुकी थी और अब उससे कोई भी बात नहीं करता। इसी बात से दुखी होकर वो स्कूल के एक लड़के से सिगरेट मांगती है। और जब एल्मा बस में बैठकर स्कूल से अपने घर पर जा रही होती है तो वो आर्थर को अपने पास सिगरेट पीने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर और एल्मा दोनों एक साथ बस से नीचे उतरते हैं, जहां आर्थर एल्मा से कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एंटी सेंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात मैं पहले नहीं कह पाया क्योंकि तुम काफी अनपॉपुलर
पॉपुलर लड़की थी, लेकिन अब ये बात मैं सबके सामने कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें स्कूल के सभी लोगों से डिफेंड करूंगा। ये बात सुनकर एल्मा काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों एल्मा के घर जाते हैं और वहाँ वो दोनों पूरी रात भटाभट करते ही रहते हैं। लेकिन तभी एल्मा को डिक एल्मा की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एल्मा तो ये सब इमेजिन कर रही थी, क्योंकि आर्थर तो उसके साथ बस से नीचे उतरा ही नहीं था। जब एल्मा अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी के हाथ में मोबाइल फोन के बिल होते हैं, जिस पर अलग अलग सर्विसेज के नंबर होते हैं और उनका बिल भी काफी ज्यादा होता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि ये नंबर किसके हैं और तू किससे बातें करती है। तो एल्मा अपनी मम्मी को साफ साफ बोल देती है कि ये हॉटलाइन सर्विसेज के नंबर हैं और मैं उनको फोन करके अपने मौत के कुएं से पानी निकालती हूँ। अब ये सुनकर एल्मा की मम्मी काफी शॉक हो जाती है, तो वो कहती है, ओ बहन की घोड़ी, कम से कम ये बात तो मुंह से डायरेक्ट ना बोल। तो एल्मा कहती है, मैं तो कहूंगी डायरेक्ट क्या करोगी, और आपको ये बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बिल जॉब करके चुका दूंगी। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एल्मा बिल पे करने के लिए एक स्टोर में काम करने लगती है, और उस स्टोर का मालिक कोई और नहीं बल्कि एंटी सेंटी के डैड होते हैं। एक दिन जब स्टोर में काफी कम लोग होते हैं तो एंटी का बाप एल्मा से कहता है, क्या तुम बोर हो रही हो? तो एल्मा कहती है हाँ। तो वो कहता है कि अब हम स्टोर बंद करेंगे और स्टोर के पीछे जाकर भटाभट करेंगे। तभी एल्मा देखती है कि सेंटी के डैड अजीब से इशारे देना शुरू कर देते हैं और वो कहता है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितनी हॉट लग रही हो। अब ये सब देखकर एल्मा को भी अपना काला तवा रगड़वाने का मन कर जाता है और वो दबा दबा के अपना काला तवा पिटवाती है। तभी अचानक से एल्मा को हेलो हेलो की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो फिर से अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। एल्मा देखती है कि आर्थर अपनी छोटी बहन के साथ स्टोर में बुक लेने आया होता है। सेंटी के डैड तो कब के स्टोर से जा चुके होते हैं, लेकिन एल्मा उनको इमेजिनेशन करके एक चीज से मजे कर रही होती है। अगले दिन एंटी के डैड एल्मा को मैगजीन के रैक साफ करने को बोलते हैं। जब एल्मा रैक साफ कर रही होती है तब उसको एक रैक में काफी एडल्ट मैगजीन दिखाई देती हैं। तो एल्मा अपनी आदत से मजबूर उन मैगजीन में से एक मैगजीन निकाल लेती है और उसको पढ़कर डस्टबिन में फेंक देती है। जब सेंटी के पापा उस डस्टबिन में कूड़ा फेंकने जाते हैं तो उन्हें वो मैगजीन मिल जाती है, जिसके बाद वो एल्मा की मम्मी को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मेरे स्टोर से एक एडल्ट मैगजीन चुराई है, इसीलिए मैं अब उसे जॉब से निकाल रहा हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि एल्मा के पास अभी इतना दिमाग नहीं है, वो अभी नादान है, इसीलिए उसको एक मौका और दे दो। लेकिन सेंटी के डैड उसकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देते हैं। जब एल्मा घर वापस आती है तो उसकी मम्मी उसे काफी डांटती है, वो एल्मा को घर से बाहर निकलने को भी मना करती है। अब इन सबसे परेशान होकर एल्मा अपने हॉटलाइन वाले फ्रेंड को कॉल करती है। एल्मा का फ्रेंड कहता है कि चाहे सिचुएशन कितने भी बिगड़ जाए, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो तुम्हारी बात को सुन सके। उसके बाद एल्मा अपने ड्रॉर से ठर्रा निकालकर पीने लगती है और तभी वो अपनी मम्मी को एंटी सेंटी की मॉम से बात करते हुए सुनती है। एल्मा की मम्मी उनसे कहती है कि मुझे ये बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बेटी दिन रात बस एक ही चीज के बारे में सोचती रहती है, वो है बस भटाभट, और वो हॉटलाइन सर्विसेज पर लड़कों से बात करती है और साथ ही में वो तुम्हारे स्टोर से एडल्ट मैगजीन भी चुराती है, और यहाँ तक कि मैंने उसे मास्टरबेट करते हुए कई बार आर्थर का नाम लेते हुए भी सुना है। उसकी खुद की माँ उसके ऊपर इतना शर्मिंदा है, ये बात जानकर एल्मा काफी दुखी हो जाती है और वो शराब की बोतल लेकर सीधे आर्थर के घर चली जाती है। एल्मा उसके पास जाकर कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुमने मुझे अपने गरम लोहे से टच किया था, पूरे स्कूल में कोई भी मेरा बिलीव नहीं करता और बल्कि मुझे सब लोग झूठा बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरी खुद की मम्मी भी मुझे लेकर काफी शर्मिंदा है, मेरी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है यार, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो आर्थर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर एल्मा का दिल टूट जाता है और वो काफी रोने लगती है। अब उसकी यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि पूरे स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था और वो अब पूरी अकेली हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी उसे नहीं समझती थी और आर्थर भी अब किसी और से प्यार करता है। इसीलिए एल्मा उदास होकर सड़क पर चलने लगती है। वहाँ वो किसी अनजान आदमी से लिफ्ट लेकर अपनी दोस्त मरिया के घर चली जाती है। अब इसके कुछ दिनों तक वो मरिया के फ्लैट में ही रहती है और वो मरिया को अपनी सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर मरिया उसे काफी सपोर्ट करती है और वो उसे समझाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकला जाए। मरिया के फ्लैट में रहने वाला एक लड़का एल्मा को गिटार बजाकर चेयर अप करता है और फिर वो लोग गाना गाकर डांस बाजी करने लगते हैं और वो लोग एल्मा को काफी खुश रखते हैं। अब मन हल्का होने के बाद एल्मा अपने घर वापस लौटती है, जहाँ पर उसकी मम्मी एल्मा का वेट कर रही होती है। एल्मा को अपने से दूर जाते हुए देख उन्हें समझ में आ गया था कि उनके लिए उनकी बेटी की खुशियां सबसे बढ़कर हैं। एल्मा अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और इस एज में काफी सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और उन्हें डांटने से अच्छा तो यही है कि एल्मा को इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझाया जाए। एक दिन एल्मा की मम्मी अपने काम से छुट्टी लेकर एल्मा के साथ घूमने का
सुसाइड करती हैं। उसी रात आर्थर अल्मा के घर आता है और वो कहता है कि मेरी वो गर्लफ्रेंड वाली बात झूठी थी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अल्मा कहती है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक फट्टू हो और जब तक तुम सबके सामने ये नहीं कह देते कि तुमने मुझे अपना गर्म लोहा टच किया था, तब तक तुम मुझसे बात मत करना। अगले दिन स्कूल जाते वक्त बस में सेंटी अल्मा के पास आती है क्योंकि अब उसको भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब अल्मा अपने स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि आर्थर स्कूल के सामने खड़ा हुआ था और उसके ऊपर काफी बड़ा बैनर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि मैंने अल्मा को अपना गर्म लोहा टच किया है। ये चीज देखकर अल्मा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो आर्थर को अपने घर पर लेकर आती है और उसे अपनी मम्मी से मिलवाती है और फिर वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं। वहीं अल्मा अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या आज रात आर्थर यहाँ रुक सकता है, तो उसकी मम्मी कहती है नहीं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पर भले ही अब अल्मा की मम्मी अल्मा की भावनाओं को समझती हों, लेकिन वो इतनी छोटी उम्र में किसी लड़के को अल्मा के साथ रुकने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि टीनेज उम्र में ये सब नॉर्मल चीज है, इस चीज को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। इससे अच्छा तो ये है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। दोस्तों, इस मूवी का नाम टर्न मी ऑन डैमिट है जो कि साल 2011 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर देख सकते हो।